घर पर पहुंच सकते हैं हर ब्रदर एंड भाभी ब्रॉट वेरियस गिफ्ट फॉर राधा उसके भैया और भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल उनके परिवार के जितने भी लोग हैं वो सभी उनके आने से बहुत खुश हैं आफ्टर सम टाइम हर भाभी आज वेयर इज़ द टॉयलेट कुछ ही देर में उसकी भाभी ने क्या पूछा कि टॉयलेट कहाँ है राधा टॉल दैट देयर दे वॉज नो टॉयलेट इन देअर हाउस राधा ने बताया कि उनके घर में टॉयलेट नहीं है हर भाभी डि नॉट एग्री टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन उसकी भाभी शोच के लिए बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुई शी सेट दैट पर्दा सिस्टम इज़ फॉलोअ बाई वमेन इन साइड एंड आउटसाइड देअर होम्स दैन हाओ कैन दे गो फॉर डेफिकेशन इन दोपन उसकी भाभी ने कहा कि जब परदा सिस्टम औरतें घर के अंदर और घर के बाहर फॉलो करती हैं तो फिर वो बाहर शोच के लिए कैसे जा सकती हैं खुले में दिस इज़ वेरी शेम्फुल बहुत ही शर्म की बात है द ग्रैंड फादर लिस्ट वेरी केयरफुली एंड बिलीव दैट शी वॉज एप्सोलूटली राइट उनके जो ग्रैंड फ़ादर थे वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें यकीन हुआ कि ये आर शी वॉज एब्सोल्यूट राइट कि वो बिल्कुल सही कह रही है ही कॉल्ड द लेबर्स नेक्स्ट डे एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द टॉयलेट इन दियर हाउस उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया लेबर्स को बुलाया और टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन टॉयलेट बनवाने का काम शुरू कर दिया अपने घर में दिस डेज गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असटेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन दिनों गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों फाइनेंशियल असिस्टेंट फाइनेंशियल वित्तीय सहायता देती है टॉयलेट्स बनवाने के लिए वैन अदर पीपल सो द टॉयलेट इन राधा हाउस दे ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ टॉयलेट इन देअर हाउसेज जब लोगों ने देखा राधा के घर में टॉयलेट को तो उन्होंने भी क्या किया अपने घरों में टॉयलेट बनवाना शुरू कर दिया डिड यू नो पी ऑल शुड नाट गो फॉर ऑपेंटिफिकेशन फॉर बींग रेस्पेक्टेड एंड हाइजीनिक हमें सम्मान और स्वच्छता के लिए बाहर शौच के लिए नहीं जाना चाहिए वाई इज़ नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विद सॉप आफ्टर गोइंग और टू टॉयलेट अच्छा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉयलेट से टॉयलेट जाने के बाद में आ, क्या करना चाहिए हैंड्स को सॉप से क्यों अच्छे से वॉश करना चाहिए बच्चों यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं क्लीनिंग मशीन आ मॉडर्न मॉप क्लीनर नीट एंड क्लीन टॉयलेट अ नीट एंड क्लीन हाउस लुक एट दबॉ पिक्चर्स एंड डिस्कस विच क्लीनिंग इक्वमेंट इज शॉन इन द फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे बताए यहाँ पे पूछा है कि ये कौन सी इक्ुपमेंट है सफाई का वट विल हैपन इफ प्रॉपर क्लीनिंग मशीन आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट क्या होता कि प्रॉपर क्लिनिंग मशीन जो है मार्किट में उपलब्ध नहीं होती तो क्या होता क्लिनिंग शुड बी आबिट नॉट पम्प एंड शॉव सफाई क्या है बच्चों एक आदत होनी चाहिए ना कि एक दिखावा राधा ब्रदर एंड भाभी रिटर्न फॉर्म केरला राधा की भैया और भाभी कहाँ से आए हैं वो केरला से होकर आए हैं दे शॉप्ट फोटोग्राफ्स टू राधा अबाउट द प्लेसेस दे विजिटेड वो क्या दिखा रहे हैं राधा को फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जो प्लेसेस वहाँ से वो देख कर आए हैं उनके फोटोग्राफ्स वो राधा को दिखा रहे हैं राधा सा इच पिक्चर्स केयरफुल एंड नोटिस दैट ऑल द प्लेस वर वेरी क्लीन राधा क्या कर रही थी हर एक पिक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और नोटिस कर रही थी कि यहाँ पे जितने भी सभी ब्लेसेस कैसे हैं बहुत ही क्लीन है नाव शी बिगेन टू डेट देअर होम्स वर सो स्मॉल इवेंट डेट रिटर्न के पिट क्लीन राधा ने नाव शि बिगेन टू रियलाइज उसे रियलाइज हुआ कि उनके जो होम्स हैं वो कैसे हैं बहुत ही छोटे हैं फिर भी उनके घरों में क्या नहीं है सफाई नहीं है सफाई नहीं रखते हैं हर भाभी अंडरस्टूड एवरी थिंग एंड टॉक टू हर अबाउट इट उसकी भाभी समझ गई और उस उन्होंने क्या किया उसको अंडरस्टूड एवरी थिंग एंड टॉक टू हर अबाउट इट और इसके बारे में उससे बात की शी एक्सप्लेन राधा अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिननेंस एंड हाइजीन उन्होंने क्या किया उसकी भाभी ने क्या किया राधा को क्लीनेस सफ़ाई की इम्पोर्टेंस और हाइजीन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एंड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आर हैबिट्स ये एक हमारी आ, आ, आदत होनी चाहिए ना कि दिखावा फर्स्ट यू डिस्कस एंड टेल शुड क्लिनिनेस बी अ पार्ट ऑफ आर लाइफ डिस्कस योर व्यूज़ अबाउट इट क्या जो सफाई है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है इसके बारे में डिस्कस कीजिए सेकंड हाउ शुड वी बिहेव विद दोज हेल्प अस जो हमारी हेल्प करते हैं उनसे हमें किस तरीके का बिहेव करना चाहिए वॉट शुड बी आर इमेज इन फॉरन कंट्रीज़ इफ़ आर विलेजेस एंड सिटीज़ फाउंड अनक्लीन अगर हमारे कंट्री में हमारे जो विलेजेस हैं और सिटीज़ हैं वो अगर गंदे होंगे अनकलीन होंगे तो विदेशों में हमारे देश की क्या इमेज होगी इफ़ आर हाउस इज नॉट क्लीन हाउ इट विल अफेक्ट आर लाइफ अगर हमारे जो हाउस है घर क्लीन नहीं होगा तो इसका हमारी लाइफ पर क्या अफेक्ट होगा हाउ डज राधा रियलाइज द नीड ऑफ क्लीननेस एंड हाईजीन राधा को किस तरह से क्लीनेस और हाइजीन का रियलाइज हुआ एंड हर फ्रेंड्स टेक टू मै क्लीननेस देअर हैबिट लेट्स आर नाट थ्रू पेपर डिमेंड्स ऑफ पेंसिल्स पेपर्स ऑफ टॉफिस एट्सेट्रा इन द क्लास रूम बच्चों जो पेपर्स होते हैं रिमेंट्स ऑफ पेंसिल्स के जो रिमेंट्स होते हैं रेपर्स ऑफ टॉफीज ये क्लास रूम में नहीं फेंकने चाहिए लेटर्स नॉट स्क्रीबल ऑन वॉल्स फ्लोर्स और फर्नीचर एंड नॉट मेक दैम डर्टी दीवारों पर और फर्श पर स्क्रीबल यानी कि हम जो पेंसिल से लकीरें बना देते हैं उनको स्क्रब नहीं करना चाहिए और फर्नीचर को गंदा नहीं करना चाहिए दीवारों को फर्श को और फर्नीचर्स को गंदा नहीं करना चाहिए टेक बात एवरी डे एंड वी आर क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ रोज़ाना नहाना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए से नो टू पॉलीथीन बैग्स और पॉलीथीन बैग्स को नो कहना चाहिए टू तो कीप आर सेल्स हेल्थी वी शुड कीप आर स्ट्रीट्स हाउसेस स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमारी जो गलियां हैं हाउसेस हैं स्कूल्स हैं और पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना चाहिए डिड यू नो क्लिनस मस्ट बी आर हैबिट नॉट अ पम्प एंड शो क्लिननेस सफ़ाई क्या है हमारी एक आदत है आदत होनी चाहिए ना कि एक दिखावा बिकॉज इट प्रोवाइड्स हेल्थ एंड हाइजीन क्योंकि ये हमें क्या करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन प्रोवाइड करती है डिड यू नो महात्मा गांधी गेव इम्पोर्टेंट टू क्लीननेस एज इक्वल टू गॉड महात्मा गांधी ने सफाई को इतनी इम्पोर्टेंस दी है जैसे कि गॉड उन्होंने गॉड के बराबर सफाई को इम्पोर्टेंस दी है वेरी स्पेशल होज ओवर विजिटेड गांधी जी आश्रम ही शी वॉज फर्स्ट गिवेन द टास्क ऑफ क्लीनिंग द टॉयलेट्स जो भी कोई गांधी जी के आश्रम में विजिट करने जाता था तो उनको क्या, क्या 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 दिया जाता था एक टास्क दिया जाता था टॉयलेट्स की सफाई का ओनली आफ्टर डूइंग दिस टास्क प्रॉपरली ही शी वॉज गिविन एनी अदर वर्क और ये टास्क प्रॉपर्ली करने के बाद ही उन्हें कोई दूसरा काम दिया जाता था बिकॉज महात्मा गांधी थॉट दैट क्लीनस नेक्स्ट टू तो कॉडलीनेस और महात्मा गांधी जो थे वो क्या सोचते थे कि जो सफाई है वो क्या है देव भक्ति है दिस डेज क्लीन इंडिया कैंपेन इज बिगिंग रन थ्रू आउट द कंट्री इन दिनों क्लीन इंडिया कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान जो है वो पूरे देश में चल रहा है इट्स मैन एम इस टू रोड्स रेलवे स्टेशन बस स्टैंड एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन इसका मेन उद्देश्य क्या है बच्चों कि हमारे जो रोड्स हैं सड़कें हैं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड एंड पब्लिक प्लेस को कैसा रखा जाए साफ़ रखा जाए देयर शुड बी अ डस्टबिन इन हर हाउसेज और हमें अपने घरों में एक डस्टबिन रखना चाहिए